वर्तमान सांसद रवि किशन जी तो मैदान में है और जाके आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। जनता के बीच जाते हैं तो कहते हैं योगी मोदी योगी मोदी। इनको पता है कि हमारे नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है। क्या शानदार रहा है मंच से अपने सरकार की योजनाओं का जो नाम नहीं बता पाया उसके कार्यकाल के बारे में आप क्या चर्चा करें। इंडिया नाम रखने से आपकी इंडिया विचारधारा नहीं छोड़ सकती। यही राजघाट में निर्माण हुआ था, पूछा गया, उन्होंने बोला कि मरोगे सीधा स्वर्ग में जाओगे, हर हर महादेव। ऐसे सांसद है जो जिंदा आदमी को मार के स्वर्ग में भेज दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो चुकी है। देखा जाए गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र में तो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी रवि किशन है, और तो वहीं जो है समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन से काजल निषाद को मैदान में उतारा गया है। यहाँ आए दिन इस चुनाव को लेकर के चर्चाएं चल भी रही हैं, एक दूसरे को लेकर उनसे बातें भी हो रही हैं, लेकिन हम इस वक्त जो है शास्त्री चौक पर हैं और यहाँ हमारे साथ देखिए आप देख सकते हैं कि चाय की दुकान है, चाय की दुकान पर लोग यहाँ इकट्ठे भी हैं, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ हैं मौजूद। इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल ये देख रहे हैं इस बार के चुनाव में। क्या नाम है आपका? संदीप तिवारी। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक है और यहाँ से जो है काजल निषाद मैदान में है और पूर्व सांसद जो है रवि किशन जी मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान सांसद रवि किशन जी तो मैदान में है और जाके आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। जनता के चुनाव में जनता वोट मांगती है, अरे 5 साल क्या किए क्या नहीं किए ये मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रत्याशी बना के भाजपा ने भेज दिया, कम से कम जनता के बीच तो रहना चाहिए। यानी आप लोगों को ये लगता है कहीं ना कहीं कि ये लोग अपने बलबूते पर चुनाव नहीं जीतते हैं? जनता के बीच जाते हैं तो कहते हैं योगी मोदी योगी मोदी। इनको पता है कि हमारे नाम पे वोट नहीं मिलने वाला है। यानी आईपीएल में कमेंट्री करना इनको जरूरी समझ में आ रहा है और मैदान में रहना इनको जो है दिखाई देना उचित नहीं समझ रहे हैं। एक हफ्ते बाद आईपीएल से कमेंट्री करके आए हैं, कल अपने महादेव पिक्चर की जो है रिलीज और पता नहीं क्या जारी कर रहे थे 5 स्टार होटल में बैठ के। तो क्या 5 साल का कार्यकाल इनका बहुत शानदार नहीं रहा है? क्या क्या शानदार रहा है मंच से अपने सरकार की योजनाओं का जो नाम नहीं बता पाया उसके कार्यकाल के बारे में आप क्या चर्चा करेंगे? देखिए जहाँ तक चुनाव की बात है तो चुनाव जनता काम पे देती है, विकास पे देती है वोट, ठीक है। काजल निषाद की अगर हम बात करें चाहे रवि किशन की बात करें, दोनों लोगों को, काजल निषाद अभिनेत्री रही हैं, ये अभिनेता रहे हैं, दोनों जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे हैं, यहाँ किसी का समय यहाँ नहीं गुजरा है। लेकिन चूंकि गोरखपुर जो है वो भाजपा का गढ़ रहा है, यानी रवि किशन ने समय नहीं दिया यहाँ पे क्या? रवि किशन ने चुनाव 5 साल जो चुनाव जीता उसके बाद गोरखपुर में अपना घर किया, अपने लोगों के साथ रहे और उन्होंने काफी हद तक गोरखपुर वालों को समय दिया है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन काजल निषाद की बात करें तो काजल निषाद जी जब चुनाव होता है तो मैदान में आ जाती है, ठीक है। और रवि किशन भी मैदान में तभी दिखाई देते हैं। वैसे तो देखिए ये लोग जो है मोदी जी योगी जी इनके कामों को जो गिनाकर वोट मांगते हैं, अपने कामों को गिनाकर वोट मांगने वाला रवि किशन जी ने कोई काम 5 साल में नहीं किया है कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह सकता कि रवि किशन ने काम नहीं किया है, लेकिन जिस तरह का विकास सांसद को करना चाहिए वो विकास उन्होंने नहीं। लेकिन विपक्ष का तो आरोप पहले लगता था कि वो तो फील्ड में रहेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि वह लगातार फील्ड में बने रहे, आप क्या कहें? ये बात बिल्कुल सही है कि रवि किशन सबके दुख सुख में भी पहुंचे हैं, विकास में भी बढ़ चढ़, योगी जी आते हैं हर कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, अपने भी प्रयास करते हैं, चाहे वो हम लोगों ने बारिश के दिनों में भी देखा है काफी हद तक जो है वो लोगों के बीच गए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है विकास जो सांसद के रूप में विधायक के रूप में होना चाहिए वो नहीं हुआ। योगी जी चूंकि गोरखपुर के हैं और मुख्यमंत्री हैं इसलिए यहाँ विकास दिखाई दे रहा है। अगर सांसद के तौर पे कहें तो पूरी तरह से जो है वो विकास का कार्य यहाँ पे सांसद के रूप में नहीं हुआ। यानी काजल कुछ हद तक लड़ाई में दिखाई दे रहे हैं? हाँ, निश्चित तौर पे काजल कमजोर प्रत्याशी, सपा और कांग्रेस जो है साथ लड़ रही है, काजल कमजोर प्रत्याशी नहीं है, यहाँ से काफी चुनाव लड़ चुकी है और ऐसा नहीं है वो मेयर भी लड़ चुकी है, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि काजल निषाद और निषाद समाज की है। अगर संजय निषाद जी शायद उनके साथ होते तो हो सकता है और अच्छी स्थिति उनकी होती, लेकिन चूंकि जो है काजल निषाद निषाद है, गोरखपुर में निषाद लोगों की संख्या काफी हद तक है, तो अगर निषाद उनके साथ जुड़ा और सपा का वोट जुड़ा तो काफी अच्छी टक्कर देती। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप, जो है जिस तरह से लोगों का कहना है कि काजल निषाद भी टक्कर देती नजर आई, क्या मानते हैं कि यहाँ लड़ाई है? यहाँ लड़ाई है, देखिए रवि किशन सांसद रहे हैं लेकिन उतना वो वक्त जैसे कि भाई साहब बोल रहे हैं उतना फिल्म इंडस्ट्री में अधिक बाहर ही रहते हैं, यहाँ कभी कभार आते हैं और जब योगी जी का कार्यक्रम रहता है तब वो सम्मिलित होते हैं। लेकिन कहना है लोगों का कि और सांसदों की अपेक्षा ज्यादा समय गोरखपुर में उन्होंने दिया है।
दिया है, लेकिन उतना भी समय जितना होना चाहिए संसद को लगाना चाहिए, लेकिन कोई नहीं रहा। इससे पहले कौन सांसद रहा है? योगी जी खुद सांसद थे यहाँ के, तो योगी जी आज मुख्यमंत्री बने, इससे पहले आज देखा जाए तो मंदिर की सीट रही है, लोकल सांसद रहा है, तो सांसद रहते हुए योगी जी यहाँ पे दिखाई देते थे। आज रवि किशन बाहरी है, इसलिए रवि किशन को लोग कहते हैं। यानी मंदिर का ही प्रभाव हमेशा देखा जा रहा है, प्रभाव गोरखपुर में हर बार अगर कोई भी लड़ेगा, चाहे वो रवि किशन ही नहीं कोई भी लड़ेगा, तो वो अच्छी संख्या में वोट पाएगा। यानी रवि किशन अपने नाम पे चुनाव यहाँ नहीं जीत रहे हैं, अपने नाम पे यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे, ऐसा है। देखिए काजल निषाद भी इस बार चुनाव मैदान में उतरी हैं, देखिए अब क्या हो सकता है, क्योंकि विधायक के चुनाव में भी काजल निषाद निकली थी, लेकिन उतना उनको हो नहीं पाया था। क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? प्रिंस नाम है मेरा। प्रिंस जी आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ का माहौल, अभी भाई साहब का कहना था कि रवि किशन ने कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, फिल्म में बहुत कम दिखे भी है, क्या कहेंगे आप? रवि किशन सांसद एक ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरे मतलब जितनी भी लोकसभा सीटें हैं, अगर उत्तर प्रदेश की ऐसी, तो उसमें से एक इकलौता सांसद है जिसने गोरखपुर में भरपूर समय दिया है, खुद का आवास ले लिया, जहां उसको लोग गलत तरीके का अभद्रता करते थे उनके साथ, वो आज अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में समय ज़्यादा बिता रहे हैं। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया नाम रखने से आपकी इंडिया विचारधारा नहीं छोड़ सकती है। इंडिया जो है एक हमारा खेल है, जो हमारे मैदान में जो हमारे 11-11 जो प्लेयर होते हैं, 11 चाहे इंडिया का लिया पाकिस्तान, तो इंडिया नाम रखने से कोई इंडिया नहीं होता। अगर हार गए ना, तो ये जो नाम इन्होंने इंडिया रख रखा है, तो इंडिया का ये सबसे बड़ा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि ये इन्होंने इंडिया नाम रखा है। और इंडिया नहीं, इंडिया नाम रखना और अगर चुनाव हार जाते हैं यहाँ से, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दुर्भाग्यशाली होगा। निश्चित तौर पे ये हार रहे, क्योंकि देखिए काम बोलता है, अखिलेश जी कहते थे कि काम बोलता है, तो काम उन्होंने नहीं बोला पाया, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो वर्तमान में सरकार है, इन्होंने काम बोल के काम दिखा। क्या कहेंगे जिस तरह से कि ये इनका कहना है? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो सपा से इंडिया गठबंधन से काजल निषाद है, तो एक तरफ से गठबंधन ने वाकओवर दे दिया है, क्योंकि काजल निषाद डमी कैंडिडेट है, यानी काजल निषाद विधायकी का चुनाव लड़ा, उन्होंने चोरी चोरा चुनाव लड़ा, उन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा, और हर बार उनको हार का सामना करना पड़ा था, तो कहीं कंपियरगंज से भी उन्होंने लड़ा था, तो कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा, तो डमी कैंडिडेट है। पहले तो इंडिया गठबंधन को एक ऐसा प्रत्याशी यहाँ देना चाहिए था जो मजबूती से खड़ा हो। अभी चुनाव की बात है, तो ये उत्तर प्रदेश में योगी हैं और केंद्र में मोदी है, तो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है। रवि किशन की बात है, यहाँ के लोकसभा वो यहाँ के निर्वाचित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका समय देने का जो मामला है गोरखपुर में, इन्होंने कहीं समय नहीं दिया है। एक तरफ से जो सांसद होता है, आदमी जब भी चाहता है, जो फरियादी होते हैं जनता, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए मोदी के नाम पे नहीं, काम जनता काम देख रही है, काम के हिसाब से ने काम किया है। रवि किशन ने काम किया, डबल इंजन की जो सरकार है, किशन के चार काम आप जोड़ा दीजिए जो उन्होंने अपने सरकार को दिया ऊपर किया, आज किशन के चार काम बताइए, काम बता दीजिए। अगर काजल निषाद को बीजेपी से गोरखपुर सदर लोकसभा से टिकट मिल जाता है, तो भाजपा और मंदिर के नाम पे, इवन मंदिर के नाम पे, भाजपा नहीं कहूंगा, मंदिर के नाम पे काजल निषाद यहाँ से सांसद बन जाएगी। भाई साहब एक तरफा बात कर रहे हैं, जौनपुर से भी चुनाव लड़े थे कांग्रेस के सीट पे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा, तो बात की जाए तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, कोई भी प्रत्याशी हो जाए कहा भाई साहब वो मंदिर के नाम पे पड़ता है। अच्छा पहले उन्होंने लोकार्पण किया था, शिलान्यास किया था, बौछार करोड़ों की बौछार दी थी गोरखपुर वासियों को, लेकिन आज तक कितने भी मंच पे वो शामिल हुए, कभी भी उन्होंने कोई लोकार्पण शिलान्यास नहीं किया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काम बोलता है ये, हम नहीं, ये किसान नहीं, राजघाट योगी जी का नहीं, राजघाट यही राजघाट में गोरख धाम बना है। जी 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 महोदय, इनसे चार काम जोड़वा लीजिए। रवि क्या चार काम? मोदी योगी के काम को छोड़ दीजिए, चैलेंज कर रहा है भाई साहब, योगी चार काम इतने ना कि पन्ने अगर खोले ना तो चार काम केवल कहने की बात है। काम महाराज जी, केवल महाराज जी यहाँ यही राजघाट में निर्माण हुआ था, पूछा गया, उन्होंने बोला कि मरोगे सीधा स्वर्ग में जाओगे, हर हर महादेव। ऐसे सांसद है जो जिंदा आदमी को मार के स्वर्ग में भेज दे रहे हैं, ये उनके काम की और सारी चीजें कर रही है, एक तरफा बात कर रहा है। मैं कहता हूँ भाजपा
मैं गोरखपुर मंदिर से या योगी जी से उनका जो नाता है उसको हटा दिया जाए तो यहाँ के मेयर के चुनाव पे वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि रवि किशन को लेकर सभासद पे नहीं, रवि किशन को लेकर के कि रवि किशन कुछ नहीं है, मंदिर का ही प्रभाव हुआ। अगर यहाँ से कोई कुत्ता भी चुनाव लड़ता है तो चुनाव जीत जाएगा, यहाँ तक कि अगर काजल निषाद भी मंदिर से हो तो चुनाव जीत जाएगा। भाई साहब कराएंगे बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी यानी महाराज जी ये सीट हमेशा जो मंदिर के पाले में गया है, 5 बार खुद सांसद योगी आदित्यनाथ जी रहे हैं, उसके बाद फिर हम मुख्यमंत्री हैं, तो केवल मंदिर के नाम पे आशा के नाम पे लोग सही है, मंदिर के नाम पर ही जीत रहे हो। 3 लाख वोट से अधिक मतों से रवि किशन चुनाव जीतेंगे, ये लिख लीजिए, 3 लाख वोट से अधिक अगर इनको भाजपा आज टिकट देके योगी जी का समर्थन कर दे ये चुनाव जीत जाएंगे। देख सकते हैं कि बड़ी गामा गामी है, क्या कहेंगे। मैं बता तो रहा हूँ ये एक तरफा बात कर, हो सकता है सांसद जी से इनका क्या लेन देन है भगवान जाने, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई भी प्रदेश में बसपा की सरकार हो सपा की सरकार हो, गोरखपुर मंदिर से जुड़ा जो भी सीट था हमेशा ये जीतते थे, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है, गोरखनाथ मंदिर आस्था का केंद्र है। कोई भी सरकारें रही हो यहाँ से चुनाव जीतते हैं। अगर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रवि किशन किसी और पार्टी से जीत के दिखा दे यहाँ पे, तो जौनपुर से लड़े थे, जमानत जब्द हो जाएगी, जमानत अपने क्षेत्र से कांग्रेस से लड़े नहीं निकल के सामने आ रही है कि हाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी गर्मा गर्म चर्चा हो रही थी और लोगों का ये मानना था कि कहीं ना कहीं रवि किशन जो चुनाव जीते थे पिछली बार भी वो मंदिर के प्रभाव में जीते थे। आज भी अगर इनका कहना है कि काजल निषाद को अगर बीजेपी से जीत जाए तो भी जीत जाएगी बंपर वोटों से, बिल्कुल, यानी काजल निषाद भी चुनाव जीत सकती है यदि बीजेपी उनको यहाँ टिकट देते, यानी कि सिर्फ बीजेपी और गढ़ यानी मंदिर का गढ़ होने के नाते यहाँ प्रत्याशी जीतते हैं, कोई महत्व नहीं है। आपको बता दूं मैं ये आंख पर कोई नहीं कह सकता कि एज ए सांसद रवि किशन ने मेहनत नहीं की है, मेहनत रवि किशन की है, जम करती है मेहनत, जम के कोविड काल में, कोविड काल में जितना काम रवि किशन ने योगी जी ने कर दिया वो किसी सरकार ने कोविड काल में काम नहीं किया है। रवि किशन खुद योगी जी का गढ़ है, हम लोग इस समय गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में है, आप देख सकते हैं कितनी गर्मा गर्म चर्चा यहाँ हो रही थी, लोगों का यह मानना था कि बीजेपी यहाँ जीतेगी जरूर, लेकिन यहाँ सांसद का मतलब कुछ नहीं, महाराज जी की वजह से यह सीट निकलेगी, बीजेपी की वजह से सीट निकलेगी, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, इवन अगर काजल या इवन अगर काजल निषाद भी यहाँ से बीजेपी से चुनाव लड़ती है तो वह भी यहाँ से पक्का चुनाव जीत जाएंगी। एनबीटी ऑनलाइन के लिए गोरखपुर से प्रमोद पाल की रिपोर्ट।